वाला तेल भी इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। मजीद बात करेंगे मोहसिन अली से। जी मोहसिन बताइए। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही मुल्तान के खेतों में पीले फूलों की बहार आ चुकी है। सरसों के फूल हैं वो खिल उठे हैं, जिसका माहौल पर भी तरोताजगी का एहसास पैदा करें, जबकि जो कुदरती तेल है उसकी पैदावार में भी इजाफा होगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब मौजूद है। सर ये बता दें कि आप ज़राअत के एक्सपर्ट हैं, सरसों के फूल कितना पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है, माहौल की तरोताजगी क्या इफेक्ट पैदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कैनोला और सरसों के फूल जो हैं वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए बड़े अहम हैं, और ख़ासकर ये एक तरोताजगी का एहसास दिलाते हैं। और जिस तरह के पाकिस्तान 80% खुरदनी तेल जो है इम्पोर्ट कर रहा है, उस मद के अंदर ये है कि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन फसल 3 मंथ में ग्रो करके एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमाया जा सकता है, और उसके साथ साथ कपास जो है वो टाइमली जो है वो सो की जा सकती है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि 3 महीने की ये फसल है, अगर आप काश्तकार इसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे खुरदनी तेल पैदा होगा जो इंसानी सेहत के लिए भी मुफीद है, जो माहौल को तरोताजगी के साथ पैदा कर रहे हैं। जी